भारत से यूरोप तक बनेगा 6000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐतिहासिक कॉरिडोर से चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर आई आफत। बढ़ेगा भारत का ग्लोबल बिजनेस, घटेगी लागत, सस्ते होंगे सामान। इस साल G20 शिखर समिट में भाग नहीं लेना चीन के लिए महंगा सौदा पड़ गया है, क्योंकि यूरोप, गल्फ देश और अमेरिका ने चीन के सबसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का पत्ता काट दिया है। दरअसल भारत ने G20 समिट में UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों के साथ मिलकर ऐतिहासिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है, जो कि चीन के मल्टी ट्रिलियन डॉलर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को सीधी चुनौती दे सकता है। और इसकी वजह से चीन का यूरोप तक सड़क बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में शामिल देश इटली ने अब चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के सिग्नल दिए हैं। वैसे तो इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अनाउंसमेंट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साल 1990 में ही पाकिस्तान ने भारत को जमीनी कनेक्टिविटी के जरिए अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंच देने से मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दरअसल ये कॉरिडोर बनाने का मकसद भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक कनेक्टिविटी स्थापित करना है। ऐतिहासिक कॉरिडोर का निर्माण दो हिस्सों में होगा। पहला कॉरिडोर मुंबई से शुरू होकर वेस्ट एशिया तक जाएगा और वेस्ट एशिया से यूरोप तक दूसरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर में एक रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को दी जा सकती है। भारत में मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र से होकर गुजरेगा। बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाए जाएंगे, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन इंपोर्ट के लिए पाइपलाइन भी बिछाया जाएगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान और सस्ता होगा, क्योंकि किसी भी चीज के महंगा होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट। लेकिन कॉरिडोर बनने से इसके कॉस्ट में कमी आएगी तो सामान भी सस्ते होंगे। भारत को इस प्रोजेक्ट से एक नहीं बल्कि 3-3 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा होगा कि मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा फायदा, शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई हो सकेगी। तीसरा फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और बिजनेस बढ़त मिलेगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह है चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए ड्रैगन मिडिल ईस्ट से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की है और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। एक तरफ चीन को मात मिलेगी, दूसरी ओर भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूरोप के मार्केट तक एक्सपोर्ट कर पाएगा। भारत को महाशक्ति बनाने वाला ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में ग्लोबल ट्रेड के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।